सच्ची घटना। इन लोगों से हर 41 साल बाद मिलने आते हैं हनुमान जी। कलयुग में जिन पौराणिक कहानियों के पात्र जीवित हैं, उनमें हनुमान जी भी शामिल हैं। सदा के लिए अमर रहने वाले प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी हमारे बीच ही हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि वो आज कहां निवास कर रहे हैं? क्या किसी को साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए हैं? क्योंकि कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी हिमालय के जंगलों में रहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के प्रमाण अब तक नहीं मिल सके हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई हनुमान जी से जुड़ी उस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमें इस बात का प्रमाण देती है कि हनुमान जी हमारे आस पास हैं। पर इससे पहले, यदि आपने हमारे चैनल हनुमान दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कलयुग में जीवित बजरंगबली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह सदा के लिए अमर हैं। कुछ साल पहले ही एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अब भी अपने भक्तों की पुकार सुन उनके पास आते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम की एक जनजाति निवास करती है और इन्हीं कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उनसे हनुमान जी मिलने आते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने तो इन जनजातियों पर अध्ययन करने वाले एक आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से इन सनसनीखेज खोज का खुलासा भी किया है। कहा गया है कि हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे, अब दोबारा 41 साल बाद वो फिर आएंगे, यानी सन 2055 में बजरंगी अपने भक्तों से मिलने फिर से यहां आएंगे। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर एक कबीलाई जनजाति से ही क्यों हनुमान जी मिलने आए? तो उसका उत्तर ये है कि मातंग नामक ये ट्राइबल कम्युनिटी जो श्रीलंका में निवास करती है, दरअसल एक अलग प्रकार की कम्युनिटी है जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि भगवान राम के स्वर्ग गमन के बाद हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। इसके बाद समुद्र को दोबारा लांघ कर वो श्रीलंका पहुंचे। उस दौरान हनुमान जी जब तक वहां ठहरे, मातंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। इस सेवा के बदले हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि वो हर 41 साल बाद उनसे मिलने जरूर आएंगे। इस तरह मातंग जनजाति के पूर्वजों द्वारा किए गए सत्कर्मों का फल आज उनकी पीढ़ियां उठा रही हैं। तभी तो उन्हें 41 साल बाद ही सही पर साक्षात हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो कैसी लगी आपको हनुमान जी से जुड़ी हमारी ये रोचक कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय बजरंगबली।